फरुखाबाद में केंद्रीय कारागार में बंद सपा के पूर्व सांसद रमाकांत यादव से मिलने पहुंचे बदायूं के पूर्व सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यूपी के भीतर अपराध केवल सत्ता के संरक्षण में हो रहा है। जेल गेट पर उन्हें लगभग आधा घंटे खड़ा रहना पड़ा, इसके बाद उन्हें जेल में प्रवेश मिला। सेंट्रल जेल पहुंचे सपा के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि जेल में बंद सपा के पूर्व सांसद रमाकांत यादव को गलत तरीके से भेजा गया है। 2001 के मुकदमे में दोबारा जांच कर धाराएं बढ़ाकर उन्हें जेल में बंद किया गया है। ना मेडिकल रिपोर्ट है, ना ही वादी है और ना ही कोर्ट कोई चोट। उसके बाद भी 307 की धारा बढ़ाकर कार्रवाई की गई। यूपी में बीजेपी सपा नेताओं के खिलाफ अभियान चला रही है, सपा नेताओं पर ही कार्रवाई की जा रही है। झांसी में पूर्व सपा विधायक दीप नारायण सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर ही लिया। आजम खां के साथ क्या हुआ यह पूरा देश देख रहा है। कैराना में विधायक नाहिद खां के साथ क्या हुआ यह पूरा देश नहीं देखा। बीजेपी के लोग सपा के लोगों के साथ सौतेला व दोहरा व्यवहार कर रहे हैं। उनका सत्ता पक्ष के लोगों के लिए नजरिया दूसरा है। पार्टी इस संबंध में अपने हिसाब से कार्य कर रही है। योगी सरकार जीरो टॉलरेंस पर कार्य करने का दावा कर रही है, लेकिन अभी 3 दिन पूर्व सपा नेता एवं पूर्व ब्लॉक प्रमुख राकेश गुप्ता, उनकी पत्नी शारदा देवी, मां शांति देवी की सोमवार शाम गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया गया कि बीजेपी के लोग ये सब क्या है। सपा के पक्ष में शिवपाल के बयान के बारे में कहा जाए तो धर्मेंद्र यादव ने कहा कि सपा संरक्षक मुलायम सिंह के निधन के बाद शिवपाल यादव हर कार्यक्रम के साथ हैं। यदि वह साथ है तो मीडिया को तकलीफ क्यों होने लगती है। उन्होंने सपा के विरोध में कोई बयान नहीं दिया। उन्होंने भी जो बयान दिए वह सपा के पक्ष में ही दिए हैं। कोई ऐसे जेल प्रशासन की बात नहीं, लेकिन जो मुकदमे हैं वो जरूर उनके साथ गलत तरीके से लगाए हुए मुकदमे हैं। जो केस कभी 2001 में जिन चीज़ों में जमानत हुई, दोबारा उन्हीं की जांच करके धाराएं बढ़ा देना और यहां तक कि बिना किसी इंजरी के, बिना किसी वादी के, बिना किसी मुलजिम के, बिना किसी मेडिकल रिपोर्ट के 307 जैसी धारा बढ़ा देना, ये मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी लोगों ने अभियान चला रखा है समाजवादी पार्टी के साथियों के खिलाफ। मैं कल गया था झांसी में, वहाँ दीपक जी के खिलाफ, कैराना की बात करें तो विधायक हमारे नाहिद भाई के खिलाफ, आजम साहब के साथ क्या हो रहा है पूरा देश देख रहा है। कल चौधरी जेंस जी ने आवाज़ उठाई कि जहाँ आजम साहब की 24 घंटे भी इंतज़ार नहीं किया स्पीकर साहब ने, वहीं कुछ लोगों के महीनों पहले वही सेम फैसले आया कि उस पर स्पीकर साहब संज्ञान नहीं ले रहे हैं। तो बीजेपी के लोग समाजवादियों के साथ सौतेला दोहरा व्यवहार एक अलग नज़रिए से देख रहे हैं और वहीं सत्ता पक्ष के लोगों का नज़रिया उनके के प्रति उनका अलग नज़रिया है और यहाँ तक स्पीकर तक का जयंत चौधरी जी ने कल आवाज़ उठाई, बहुत मजबूत बात हुई। क्या कर क्या पार्टी क्या कर नहीं कर रही है? पार्टी की संघर्ष की चिंता आप ना करें, पार्टी लगातार अपने तरीके से कर रही है। हमारी पूरी पार्टी पिछले कई दिनों से आदरणीय नेताजी के स्वास्थ्य और तमाम चीज़ों को लेकर, जिस तरह से नेताजी की दुर्घटना हुई, हम समाजवादी लोग अभी उन चीज़ों में उलझे हुए हैं। इसलिए आप इस बात की तरह के ना चैलेंज करिए, समाजवादी पार्टी को जो भी करने की आवश्यकता पड़ेगी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, हम लोग बहुत मजबूती के साथ अपने साथियों के संघर्ष के लिए, प्रदेश की जनता की बेहतरी के लिए जो कुछ भी करने की आवश्यकता होगी उसको करेंगे। मुख्यमंत्री का दावा अपराधियों को लेकर बहुत है, बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर गलत दिशा नहीं मुड़ गया है। मुख्यमंत्री जी ने अभी मैंने सुना उनको, देश के गृह मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ जिसमें 3-4 दिन पहले मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी में जीरो टॉलरेंस है। मैं दूर नहीं जाता हूँ, मैं फरुखाबाद में खड़ा हूँ, गंगा पार करिए, बगल में बदायूं का जिला है और उषावा ब्लॉक के हमारे ब्लॉक प्रमुख, उनकी पत्नी, उनकी माँ की दिन दहाड़े घर में घुस के हत्या की जा रही है। बताएं मुख्यमंत्री, बताएं बीजेपी के लोग, बताएं सरकार के लोग बैठ के कि क्या कार्रवाई की, और जिन्होंने हत्या की है वो सत्ता के संरक्षण में हत्या कर रहे हैं। और मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर हर अपराध सत्ता के संरक्षण में हो रहा है। समाजवादी या उनके जो राजनीतिक विरोधी हैं, जो उनको बर्दाश्त नहीं हो पा रहे हैं, जो उनकी नीतियों का विरोध कर रहे हैं, जो उनकी गलत नीतियों का विरोध कर रहे हैं, जो जनता की सच्ची आवाज़ को उठा रहे हैं, बुलडोजर केवल उनके लिए कहीं ना कहीं राजनीतिक, अगर बुलडोजर है तो बताएं बदायूं में 3 दिन पहले घटना हुई, क्या जीरो टॉलरेंस का मतलब होता है, दे जवाब इस बात का। कुछ माहौल बदल रहा है, चुनाव में क्या स्थिति रहेगी? जनता फैसला लेगी और समाजवादियों के पक्ष में फैसला लेगी। इटावा में क्या चलेगा? कुछ परिवार की तरफ से कोई चुनाव नहीं, परिवार की तरफ से इटावा में चुनाव नहीं। क्या तय क्या हुआ है? सारे लोग इकट्ठे थे,
स्वाभाविक है कि पूरे परिवार के सामने इतना बड़ा संकट आया तो सभी लोग इकट्ठे होंगे, क्यों नहीं होंगे। शिवपाल सिंह जी के बारे में क्या कहेंगे सर? आरणी चाचा जी लगातार पिछले कई दिनों से पूरे देश ने देखा है, आप लोगों को दिक्कत हो जाती है कि वो साथ में क्यों दिख रहे हैं। नहीं भाई, वो बराबर बयानबाजी कर रहे हैं। कोई बयान उनका नहीं आया, गलत बात नहीं करनी चाहिए। उनके जो बयान है उन बयान में सभी के बयान उनके सकारात्मक हैं, समाजवादी पार्टी के पक्ष में और हमारे नेता भी अखिलेश यादव जी के पक्ष के बयान। अगर सत्ता बदली तो ये बुलडोजर का रुख कितना बदलेगा? जनता की समस्याओं पर समाजवादी पार्टी कल थी, समाजवादी पार्टी आज है और आने वाले समय में और दिखाई देगी। और जहाँ तक ये बुलडोजर का सवाल है, हम लोग नियम कानून व्यवस्था से चलने वाले लोग, विपक्षी नेताजी ने जो संस्कार दिए उन संस्कारों पर, नेताजी की बताई हुई नीतियों और कार्यक्रमों पर चलने वाले लोग हैं। विपक्षी एकता को लेकर कोई कदम उठा जा रहे हैं? अब उठाएंगे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फैसला लेंगे, हम उसके लिए अधिकृत नहीं है, लेकिन यकीन है कि एक आने वाले लोकसभा के चुनाव से पहले कोई एक बेहतर। राहुल गांधी की यात्रा से स्वागत वागत कुछ हो सकता है? नहीं, वो कांग्रेस पार्टी के लोगों का कार्यक्रम है, अच्छी बात है, वो संघर्ष कर रहे हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए। कहीं ना कहीं लोग टिकट मांगने के लिए दहशत में हैं, बुलडोजर के डर से या जेल के डर से? मुझे नहीं लगता है सर। क्या प्रदेश में संवैधानिक संस्थाएं सही ढंग से काम कर रही हैं या नहीं? देखिए, बहुत सारे संकट हैं, क्योंकि हम खुद एक पारिवारिक संकट से, और मैं ही नहीं, पूरे समाजवादी लोग ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश और देश के लोग, हम लोग बहुत बड़े संकट से गुजर रहे हैं। तो मैं इसमें कोई अभी इस समय बहुत राजनीतिकरण करना नहीं चाहता, लेकिन हाँ, जो चीज़ें वो सामने हैं, दो फैसले आते हैं, एक हमारे लीडर के खिलाफ, माननीय आजम साहब के खिलाफ। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।